स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल यूडेमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम क्योंकि 11 को एग्ज़ाम है तो उससे पहले एक शॉर्ट क्रिस्पी सेशन लेकर आए हैं पबेड यूनिट के लिए। हम बात करेंगे हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन जो है उन्होंने रेशनल डिसीजन मेकिंग का थ्योरी दिया है। डिसीजन मेकिंग पे उन्होंने बात करी थी। जो हर्बर्ट साइमन है वो बोलते हैं एक डिसीज़न लेना अपने आप में एक ऑप्टिमल चॉइस होता है। ऑप्टिमल चॉइस का मतलब होता है वो ऐसा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और कम से कम नुकसान हो। हर्बर्ट साइमन का मानना है डिसीज़न लेते हुए कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं। हमारा माहौल क्या है, गोल कैसा है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बंदा जो डिसीज़न लेगा उसका दिमाग कितना शार्प है, डिसीज़न डायनेमिक होता है, अभी के हालात के हिसाब से वो डिसीज़न सही हो सकता है लेकिन बाद में वही डिसीज़न गलत लग सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और गाइडिंग प्रिंसिपल होता है डिसीज़न एक, और कंटिन्यू प्रोसेस होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है हमारा जो भी डिसीज़न होगा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम आगे देखें तो डिसीज़न मेकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप में सबसे पहले आप देखते हो प्रॉब्लम क्या है। आपको जो भी प्रॉब्लम है पहले आप वो डिफ़ाइन करोगे कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए पहले उसको एनालाइज करोगे, फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालोगे, फिर अल्टरनेट सॉल्यूशन दोगे, फिर जो बेस्ट होगा वो देखोगे और अपना डिसीज़न ले लोगे। ठीक है, डिसीज़न लेने के कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप एज़ यूजुअल प्रॉब्लम क्या है वो देखो, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, देन उसको एनालाइज करो, देन अल्टरनेट निकालो, सॉल्यूशन ढूंढो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे अल्टरनेट ढूंढ लो। फिर उसके बाद आप अपना चौथे नंबर पे बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लो, जो आपने 3-4 देखे थे सॉल्यूशन उनमें से बेस्ट ले लो, देन उसके बाद आप डिसीज़न ले लो। ठीक है, इसके बाद 3 स्टेप्स होते हैं डिसीज़न मेकिंग के। एक होती है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, एक होती है डिज़ाइन एक्टिविटी, एक होती है चॉइस बेस्ड एक्टिविटी। जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना, प्रॉब्लम ढूंढना, दिमाग यूज़ करना। देन डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन मतलब आप जो एक्स्ट्रा प्लान होते हैं कि ये कर लूँ, ये सॉल्यूशन ले लूँ, वो सॉल्यूशन ले लूँ, एक्स्ट्रा जो आप सॉल्यूशन लेकर चल रहे हो वो अल्टरनेटिव देखना, फिर फाइनली चॉइस कर लेना कि क्या है। ठीक, ये 3 स्टेप है डिसीजन मेकिंग में, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी, देन चॉइस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी, देन चॉइस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस में दिमाग यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइन में आप अल्टरनेट देख रहे हो, देन चॉइस में आप बेस्ट निकाल लेते हो। इसके आगे आपको दे रखा है मॉडल। कैसे मॉडल होते हैं डिसीज़न लेने के लिए, एक है क्लासिकल मॉडल जिसको रेशनल मॉडल भी कहा जाता है। ये फेओल का भी है, गलिक का भी है, बहुत लोगों का है। इसमें सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, प्रॉब्लम को समझा, देन बेस्ट सॉल्यूशन निकाला। ये इकोनॉमिक रेशनल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो जो सबसे पहले है वो क्लासिकल वाला है, पहले के जो थिंकर्स थे फेओल और गलिक उनके द्वारा दिया गया था। इसमें वही आप एक प्रॉब्लम देखते हो, उसका सॉल्यूशन देखते हो और डिसीजन ले लेते हो। इसे इकोनॉमिक रेशनल मॉडल भी कहा जाता है। इसमें साइमन नहीं है, इसमें ये थिंकर्स है जो ओल्ड है, क्लासिकल है, उनका मॉडल है ये। इसके बाद हम बात करें अगर साइमन के वाले का, तो साइमन का है बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसे मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मानना है, जैसा कि बाउंडेड लिखा हुआ है, बाउंडेड का मतलब होता है लिमिट में होना, रेशनैलिटी का मतलब होता है आपकी समझ, तो मतलब आपकी समझ भी लिमिटेड होती है। हम अपनी तरफ से तो बेस्ट डिसीज़न निकाल लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमें बेस्ट लग रहा है वो बेस्ट ही हो, हमारी समझ भी लिमिटेड होती है, हमारी क्षमताएं लिमिटेड होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का तरीका लिमिट हो सकता है। हो सकता है उस टाइम पे हम पे स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, बाहरी कारक हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो कुछ और हो, इस वजह से डिसीज़न हमें कुछ और बनाना पड़ रहा हो, मन में कुछ और हो, तो डिसीज़न लेते हुए बहुत सारी चीज़ें जिनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल कहा जाता है जो कि हर्बर्ट साइमन ने दिया। इसके आगे हर्बर्ट साइमन ने बताया है कि जो डिसीज़न होता है वो कैसा होना चाहिए। डिसीज़न जो होता है उसके लिए आप देखो कि जो आपका डिसीज़न होगा वो सेटिस्फाइसिंग होना चाहिए। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है सेटिस्फाइंग एंड सफिसिंग, सेटिस्फाइंग एंड सफिसिंग।
जो सेटिस्फाइसिंग होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सेटिस्फाइंग एंड सफिसिंग। सेटिस्फाइंग एंड सफिसिंग। सेटिस्फाइंग का मतलब आपको पता ही है, सेटिस्फाई होना, सफिसिंग मतलब इनफ होना। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, रिजल्ट आएगा, डिसीजन होगा, वो सेटिस्फाइसिंग होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद दे रखा है फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी। डिसीजन जो होता है उसमें फैक्ट और वैल्यू का रोल होता है। एग्जाम्पल, जो डिसीजन होता है उसमें फैक्ट और वैल्यू दोनों शामिल होती है। फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट का मतलब होता है जो प्रूवन है, जो रियलिटी है, जो टेस्टेड है। जो रियलिटी है वो फैक्ट है, लेकिन जो वैल्यू होता है वो हमारा प्रेफरेंस होता है। आप अच्छे बुरे भले वर्च्यूज़ को फॉलो करोगे नहीं करोगे। डिसीजन जो होता है वो फैक्ट पर बेस्ड होता है, लेकिन उन पे वैल्यूज़ का भी इम्पैक्ट होता है। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम डिसीजन लेते हुए फैक्ट पे फोकस करें, क्योंकि फैक्ट जो होता है वो साइंटिफिक है, प्रूवन है। और वैल्यूज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करें, इमोशंस को नज़रअंदाज करें एक अच्छा डिसीज़न लेने के लिए। अगर आप इमोशंस पे ध्यान दोगे, जैसे ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा भाई है, उनके नज़रिए से सोचोगे तो आपका जो डिसीज़न होगा उसमें वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगी, है ना। तो ये थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि वैल्यूज़ कम रख के फैक्ट को ज़्यादा रखें। बाकी साइमन कहता है कि एक फैक्ट होता है और मैनी वैल्यूज़ होती है। जब भी आप कोई डिसीज़न बनाते हो उसमें फैक्ट कम होता है, वैल्यूज़ ज़्यादा होती है। आप वैल्यूज़ को ज़्यादा रखते हो, आप अपने इमोशंस, अपने माहौल, अपने हेरिडेटरी, अपना फैमिली, हर चीज़ को सोच के चलते हो। तो वन फैक्ट मैनी वैल्यूज़, एक डिसीजन के पीछे, एक फैक्ट के पीछे बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। वन फैक्ट मैनी वैल्यूज़। इसके आगे आप बुक देख सकते हो हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन ने बुक्स दी हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वॉज पब्लिश्ड इन 1945। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पे बुक छुपी थी उनकी 1945 में। इसके बाद आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में उसने क्या बात की थी, कि इनएक्यूरेसीज हैं साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, उनको एक्सप्लोर करना। इसके बाद स्टीफन बॉसबी का नाम दे रखा है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी डिसीजन मेकिंग में। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है स्टीफन बॉसबी की, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसमें पहले आप प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करोगे, फिर इंफॉर्मेशन देखोगे, अल्टरनेटिव चुनोगे, फिर फाइनली एक डिसीजन बनाओगे। सो सेम है जैसा हर्बर्ट साइमन ने कहा है स्टीफन बॉसबी के द्वारा। इसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटी, देन उसके बाद डिज़ाइन एक्टिविटी, देन चॉइस एक्टिविटी। रिपीटेड है वही चीज़। और हर्बर्ट का बता रखा है उसका रेशनल डिसीजन मेकिंग है। तो आई होप हर्बर्ट साइमन का रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी समझ आया होगा। ये 11 के एग्ज़ाम के लिए बताया गया, शॉर्ट में क्रिस्पी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सही हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो फॉर UGC नेट प्रिपरेशन।